तहरीके इंसाफ पार्टी के प्रमुख और स्टार क्रिकेटर इमरान खान एक हादसे में जख्मी हो गए। वो एक डायस पर जाते हुए फोर्कलिफ्ट से गिर गए थे और इससे उनके सर में चोट आई है और उनकी रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई है। अभी भी वो अस्पताल में हैं। उनकी तबीयत पहले से बेहतर बताई जा रही है। उनकी तबीयत के बारे में हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह ने खास बातचीत की है उनकी बहन अलीमा खान से। इस वक्त हम शौकत खानम हॉस्पिटल में हैं, जो कि इमरान खान साहब की मां के नाम पे हॉस्पिटल खुद इमरान खान साहब ने बनाया और यहीं पे वो भर्ती हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उनकी बहन अलीमा खान जी हैं। किस तरह की तबीयत है अभी, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान आने पे खुश आमदेद। अब तो माशाल्लाह वो बहुत बेहतर हो गए हैं। मतलब जो खैर कल तो ज़रा क्योंकि अब इतनी बड़ी उनकी कितनी ऊंचाई से वो गिरे थे तो थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब होनी चाहिए। बल्कि वहाँ बाहर बच्चे खड़े हैं हॉस्पिटल के बाहर, कई बच्चे रात को आते हैं पूछते हैं कि जी अब ठीक खड़े नहीं हो गए। मैंने कहा बेटा अगर आप भी गिरते हो तो थोड़ी सी तो तकलीफ, थोड़े दिन तो सब्र करना पड़ता है, लेकिन माशाल्लाह आप बहुत बेहतर हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये जो उनकी जो वो फ्रैक्चर है, आपको पता है प्लस्तर लग नहीं सकता, तो उसका इलाज सिर्फ रेस्ट है। और क्योंकि वो इतनी एग्जॉस्टिव कैंपेन पे थे इससे पहले, तो वो एक ज़रा कॉम्बिनेशन है उस वो जो थकान की और इस चोट की, तो वो डॉक्टर चाहते हैं वो जितना रेस्ट मिल जाए 2-3 दिन तक, ताकि उनकी जल्द सेहतियाबी हो।